मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय बैठक पोहरी रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक में शिवपुरी जिले के पदाधिकारी एवं पोहरी ब्लॉक के पदाधिकारी भी शामिल हुए। चर्चा के दौरान निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों की कई मांगे लंबित हैं। प्रदेश की सरकार ने अपने वचन पत्र में किए गए वादे को पूरे नहीं किए हैं, इससे संघ में आक्रोश व्याप्त है। बैठक में मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष ने कहा, अपनी मांगों को लेकर भारतीय मजदूर संघ व राष्ट्रीय राज्य कर्मचारी महासंघ के माध्यम से प्रथम चरण में 8 अगस्त को सभी ब्लॉकों में ज्ञापन दिया। दूसरे चरण में 5 सितंबर को जिला स्तर पर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन व धरना प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद भी निराकरण नहीं हुआ तो तीसरे चरण 15 अक्टूबर को प्रदेश स्तरीय धरना प्रदर्शन भोपाल में किया जाएगा। इस अवसर पर अजमेर सिंह यादव विभाग प्रमुख भारतीय मजदूर संघ शत्रुघ्न सिंह तोमर, भारतीय मजदूर संघ जिलाध्यक्ष कौशल किशोर, जिलाध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी दिलीप शर्मा, राज्य कर्मचारी संघ सलाहकार समिति सदस्य सुनील तिवारी आदि कई कर्मचारी उपस्थित रहे। संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। ये रेस्ट हाउस में जो मीटिंग का आयोजन किया, क्या कुछ उद्देश्य है आपका? ये राज्य कर्मचारी संघ की ब्लॉक और जनपद स्तर की कार्यकारिणी का गठन और तो इनके राज्य कर्मचारी संघ के सदस्यों की जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के संबंध में मीटिंग का आयोजन किया गया था। रेस्ट हाउस फोरम में मीटिंग का आयोजन किया गया था। क्या कुछ उद्देश्य है इसका? इसमें राज्य कर्मचारी संघ के जितने भी सदस्य हैं, कर्मचारियों की जो भी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जानकारी लेके शासन स्तर से उनके निराकरण से संबंधित कार्रवाई करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया। ऐसे ही क्या सभी ब्लॉकों में चलती रहेगी ये? शिवपुरी जिले के सभी ब्लॉकों में ब्लॉक कार्यकारिणी और तहसील कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिनसे हर तहसील स्तर पर कार्यकारिणी की बैठक आयोजित कर समस्याएं ली जाती हैं और उनके निराकरण से संबंधित प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई प्रस्तावित की जाती है।